अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ अपने हलवा पूरी और छोले की तरकारी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही क्विक एंड इजी है। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डो बना लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर लिए हैं और इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के करीब योगर्ट शामिल कर दूंगी और 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर पानी के साथ मैं इसकी अच्छी सी डो बना लूंगी। अब इसमें मैं ऑयल ऊपर लगा के मैं इसको अच्छी तरह कवर करके रख दूँगी तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए। अब आ जाते हैं हलवे की तरफ। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव सूजी ली है, जो मेरे तकरीबन 1.5 कप बने हैं, और मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी क्योंकि ऑयल के साथ करूँगी तो मुझे तो देसी घी यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उसकी स्मेल चाहिए, तो मैं इसको ऑयल के साथ नहीं करूँगी, मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। फिर मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब घी डालूँगी। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और फिर इसको मिक्स करके साइड एक दूसरी तरफ रख दूँ। अब मैंने दूसरी तरफ इसका शीरा बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जिसके लिए मैंने 1.5 कप ही मैंने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है और अब मैं इसमें तकरीबन 4 कार्डमम ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी, जो है मेरे 2 कप के करीब, और अगर आपको मीठा इससे ज़्यादा रखना है तो आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर ऐड करने की क्लिप शायद मुझसे मिस हो गई है और मैं अब यहाँ पर इसमें जर्दे का रंग डालूंगी। पहले मैंने 1/2 टीस्पून डाला लेकिन उससे मुझे डिज़ायर कलर नहीं आया तो मैंने 1/2 टीस्पून इसमें और डाल दिया था। तो देखें अब ये इतना प्यारा कलर आ गया है। अब मैं इसको थोड़ी देर में इसमें बॉयल आने दूंगी, फिर मैं इसमें अपनी सूजी इसमें डाल दूंगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट में सूजी फूल जाएगी तो फिर मैं इसको दम पे रख दूंगी। दम पे भी मैंने तकरीबन 2 मिनट रखा होगा और देखिए ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो चले जी यहाँ पर छोले की तरकारी या छोले का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया है और इसमें 1 मीडियम प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लूँगी और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लूँगी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब। और अब इसको मैं ग्राइंड करने लग रखूँगी और उस ग्राइंड में मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर ले लिया है, उसमें ये मैंने अपनी फ्राई की हुई अनियन ऐड कर ली है और इसके अलावा मैंने मीडियम साइज़ की अनियन ऐड करी है ताकि इसका अच्छे से मैं पेस्ट बना लूँ। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल किया है और वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें 1 टमाटर भी ऐड किया है। इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और उनकी अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। मैं वही पहन लूँगी जिसमें मैंने अपनी अनियन फ्राई करी थी। इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और इसमें जो ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर है वो डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी कि जिंजर गार्लिक की रॉ इसमें ख़त्म हो जाए। और फिर आ जाएंगे स्पाइसेस की तरफ। इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर कलौंजी ऐड करी है, इसको भी मैं अच्छा सा करका लूँगी यानी फ्राई कर लूँगी इसके साथ।
अब मैंने इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था अनियन का और टोमेटो का, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैंने इसमें 1/4 टेबल स्पून के करीब हल्दी ऐड करी है, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है और इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दूँगी। फिर इसको अच्छी तरह भुनाई करूँगी और साथ ही मैंने इसमें 1 चिकन क्यूब मैंने ऐड कर दिया है और मैं इसमें अपने बॉइल्ड चने ऐड करूँगी जो मैंने ओवर नाइट सोक किए थे और फिर मैंने इसको सुबह उठ के बॉईल कर लिया था, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वो तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने छोले लिए थे जो मैंने नमक और थोड़ा सा सोडा डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। ये मैंने फुल डन किए हैं, कोई कसर बाकी नहीं रहे। ये देखिए मैं एक चेक कराती हूँ आपको, ये देखिए फुली डन है, ये कोई कसर बाकी नहीं रही है। अब मैं इसको अपने उस सालन के मिक्सचर में ऐड कर दूँगी और मैं इसमें अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि जो मैंने नॉर का क्यूब यूज़ किया था वो इसमें भी नमक था और बॉईल करते हुए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है, तो अभी तक मैंने इसमें कोई सॉल्ट डाला नहीं है, तो वो मैं पहले टेस्ट करूँगी उसके मुताबिक मैं सॉल्ट ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें अपनी अम्मा का एक स्पेशल मसाला ऐड करूँगी जो उन्होंने बना के रखा हुआ होता है, जिसमें 4 इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं, कोरिएंडर, क्यूमिन, चिली फ्लेक्स और अजवाइन एक ही क्वांटिटी में, लेकिन इनको अच्छी तरह ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लेती हैं। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और गार्निश के लिए हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर लिया। अब आ जाते हैं पूरी की तरफ। पूरी बनाने के लिए मैंने डो को आधा घंटा हो गया था और इसको मैं अच्छे से ऑयल लगा के बस इसको बेल लूँगी और फिर इसको गर्म ऑयल में फ्राई कर लूँगी। मुश्किल होती है इसको थोड़ा सा बेलने में क्योंकि ये भी ज़रा कदीम ज़माने का बेलन था और इसमें बेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। तो ये जी पहली पूरी, ये भी अच्छी तरीके से फूल रही है, इसी तरीके से बाकी पूरी से बना ली जाएंगी और बस टेस्ट आउट कर लेंगे। तो ये जी फाइनल लुक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, अल्लाह हाफिज़।